जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एक्सेस में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बिहार में अगर हम विभिन्न विभागों की बात कर ले, जहां पर वैकेंसीज के अपडेट अगर थर्ड पार्टी एजेंसी से ली जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनकी नौकरी होती है। एक ऐसा ही नौकरी अपडेट बिहार के बेल्ट्रॉन एजेंसी के द्वारा ली जा रही है, जहां पर थर्ड पार्टी एजेंसी यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से प्रोग्रामर की वैकेंसी अपडेट की गई है। अब इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कब से करना है, साथ में एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप सवाल यहाँ पे जरूर पूछेंगे कि सर कितनी वैकेंसी है, तो वैकेंसी का खुलासा यहाँ पर जो है बेल्ट्रॉन नहीं करता। ये बेल्ट्रॉन एग्जाम लेता है आपका यहाँ पे, और एग्जाम अगर लेता है उसके बाद जहां भी जिस विभाग में प्रोग्रामर की जरूरत होगी वहां पे आपको रिक्रूट करवाएगा। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट आया है दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग भी चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे keeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहां से भी सारी जानकारी देख सकते हैं। चलिए सीधे ये चलते हैं इसकी अपडेट पे। तो आप आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारे keeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट से आके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने इसका PDF यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, क्या है अपडेट यहाँ पर देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है, इस अपडेट में कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना दी जा रही है, यानी कि ये अपडेट है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये वैकेंसी का अपडेट दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जिन विभागों में आपकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन, जो कि एक मैन पावर एजेंसी है, इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालय, निकायों और मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मियों को, यानी कि कंप्यूटर में प्रोग्रामर की जरूरत पड़ी है, प्रोग्रामर सहित कुछ कंप्यूटर टेक्नीशियन की जरूरत है, यहाँ पे सेवा जो है संविदा के आधार पर ये अपडेट कराई जा रही है, यानी कि आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि ये जो अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये बेल्ट्रॉन के द्वारा कराया जा रहा है, और CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद चयन की प्रोसेस आपकी शुरू की जाएगी। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपका यहाँ पर जो है एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तभी आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि बेल्ट्रॉन के द्वारा लिया जाएगा। और आधारित दक्षता परीक्षा यानी कि क्वालिफाइंग पेपर है जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा, और सफल होने के बाद जो है आपको चयन हेतु या चयन योग्य अभ्यर्थियों को एक सूची यानी कि पैनल तैयार करके दिया जाएगा, उसके निगम मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध कराया जाता है। विभागों के द्वारा अलग अलग समय पर मांग के अनुसार इसी सूची पैनल से एजेंसी के द्वारा डिप्लॉयमेंट किया जाता है, यानी कि उसका भुगतान किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दूसरा लिख दिया गया है कि जो छात्र यहाँ पर CBT का एग्जाम पास कर जाएगा, दक्षता परीक्षा इसका, उन अभ्यर्थियों का एक सूची बनेगा, एक पैनल बनेगा। अब वही पैनल के जरिए, उसी पैनल में जिसका भी नाम होगा, तो ये मैन पावर एजेंसी जो है बेल्ट्रॉन, ये उपलब्ध करा देगा उन विभागों को जिन विभागों में वैकेंसी आएगी बिहार सरकार, विभागों के द्वारा अलग अलग समय पे मांग के अनुसार इसी पैनल से एजेंसी यानी कि डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि का किया जाएगा। और वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची यानी कि जो है पैनल तैयार किया जाना है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी प्रोग्रामर के लिए अर्हताएं क्या क्या रखी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, तो ये समझिएगा कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो योग्य निर्धारित योग्यता जो है BTech आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या BE है, या MCA है, या BSc इंजीनियरिंग आपने किया है CS से, ठीक है, और या MSc IT किया है, तभी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब इतने ही एलिजिबिलिटी के वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे। उम्र सीमा क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर 21 से लेकर 59 साल तक, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है एज का, अगर देखें बस 60 साल पार नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त ये काउंट किया जाएगा। आरक्षण जो है सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, और रोस्टर के अनुसार जो है अभ्यर्थियों को प्रेषित किया जाएगा, यानी कि आरक्षण का मैटर तो होगा ही, ये ध्यान रखिएगा। और सेवा शर्तें यहाँ पे क्या होगी, निर्धारित सेवा शर्तें तथा चयनित अभ्यर्थी एजेंसी के साथ साथ एक एकरनामा होगा, यानी कि एक सिग्नेचर लिया जाएगा आपसे, एक MOU होगा आपके और यहाँ पर बेल्ट्रॉन के बीच में, जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होंगे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, जिसमें कि चयनित सेवा प्रदाता प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार उनके निर्देश में अर्हताएं या फिर अर्थात बाह्य शर्तों के कार्य किए जाएंगे। तो ये एक सेवा शर्त है, यहाँ पर एक MOU एक तहत तो अगर एक आपका जो एकरनामा यानी कि एक आपसे बॉन्ड किया जाएगा,
इस बॉन्ड के माध्यम से जो भी बेल्ट्रॉन की अधियाचनाएं हैं, जो भी उनकी जरूरत पड़ती है कार्यालयों में, उनके आवश्यकता अनुसार ही आपको निर्देश कुछ दिए जाएंगे, उसको आपको फॉलो करना है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, आपको बता दें कि अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जाएंगे, ये इसका वेबसाइट है, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और 11 नवंबर से आपको ये लिंक दे दिया जाएगा। तो आज देखिए 7 नवंबर हो चुका है, 11 नवंबर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है सभी अभ्यर्थियों को करना होगा, यहाँ पर ₹1000 आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप बिहार की महिला हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 40% दिव्यांगता रखते हैं आप, तो यहाँ पे ₹250 यहाँ पे आपको चार्ज किया जाएगा इस फॉर्म को भरने को लेकर। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज देना होगा आपको, ठीक है। और जो भी आपको है, वैसे तो ₹1000 चार्ज होगा, इसके ज्यादा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ फॉर्म भरते समय आवेदक जो है अपना फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वैध जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ अपलोड करेंगे। ये फॉर्म भर के मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे भरना है। और जो आपका एग्जाम होगा यानी CBT होगा, वो MCQ बेस्ड होगा, जो कि आपके सिलेबस से पूछा जाएगा, और सिलेबस प्रोग्रामर का मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा अपने वेबसाइट पे, आप लोग वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो IGNOU MCA का सिलेबस यहाँ पे अपडेट किया गया है, वैसे आपको बता दूंगा, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और उसी के आधार पे आपका कट ऑफ मार्क्स चेक किया जाएगा, आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितने परसेंट लाने पे आपको यहाँ पे क्वालिफाई कहा जाएगा, कितने पे डिसक्वालीफाई किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। वैसे मैं जब आपको सिलेबस बताऊंगा या फिर उसका अपडेट दूंगा तो ये जरूर दे दूंगा आपको। तो ये आपको जो है अपडेट आया है दोस्तों, 100 पॉइंट्स का ये रोस्टर तैयार करके आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा, आपका प्राप्तांक देखा जाएगा, और उम्मीदवार को फॉर्म भरने में सावधानी बरतनी होगी, ये ध्यान रखिएगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने की स्थिति में अस्वीकार भी कर दिया जाएगा, तो ये सूचनाएं हैं। और कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो इन नंबर पे, जो कि लैंडलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम पे, ठीक है, बेल्ट्रॉन से मतलब। तो ये आपको जो है दोस्तों, आपको बता दें कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अंतिम तिथि 10/12 रखा गया है, यानी कि पूरा 1 महीना आपको समय दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने को लेकर, इसलिए इस फॉर्म को आप लोग खुद से अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको फॉर्म भर के भी बता दूंगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है। तो ये सारी सूचनाएं हैं जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से अपडेट आई है रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो मैंने अब तक ये सारी चीजें साझा किया है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी छात्र बिहार बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन करके, यहाँ पर एक CBT एग्जाम पास करके उनको अपना एनरोलमेंट जो है बेल्ट्रॉन में करना पड़ेगा। तो ये सारी सूचनाएं थी दोस्तों जो कि हम आप तक साझा किए हैं वीडियो में। आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें DM करें, वहां पे मैसेज करें, तो हम आपको जो है डायरेक्ट मैसेज वहां से रिप्लाई भी कर देंगे। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद।